नागपुर शहर के मानकापुर स्टेडियम में अग्निवीर की भर्ती चल रही है। इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से युवा नागपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी के तो परिजन यहाँ नहीं रहते, तो खाने की तो बड़ी समस्या उनके सामने थी। इसी समस्या को देख शहर के ताज का लंगर सामाजिक संस्था ने उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। किसी के तो परिजन यहाँ नहीं रहते, तो खाने की तो बड़ी समस्या उनके सामने थी। इसी समस्या को देख शहर के ताज का लंगर सामाजिक संस्था ने उनके खाने की व्यवस्था की है। मानकापुर स्टेडियम के पास ही रोजाना शाम को ये लंगर लगाया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि ताज का लंगर संस्था ऐसा उपक्रम चलाया हो। इसके लिए पहले कोरोना काल में भी संस्था की ओर से रोजाना जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर लगाया जाता था। के लिए आपका शुक्रिया कि आपने ये चीज कवर की, क्योंकि नफरतें तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल कवर करते हैं। आपने एक मोहब्बत का और अमन का पैगाम कवर करने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअल आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की थी अग्निवीर के, 4 सालों के लिए अग्निवीर में भर्ती ली जाएंगी, फिर उसके बाद में वो रिटायर होके कुछ भी कर सकते हैं। उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुआ कि कई दिन से आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि मीडिया कवर कर रहा है, प्रिंट मीडिया कवर कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों कवर नहीं कर रहा मैं नहीं जानता, लेकिन प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा कि पेपर में इनकी बदहाली की आए दिन न्यूज़ आ रही है, और इनकी बदहाली की न्यूज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कल ये सेवा हमारी रक्षा करेंगे, कल ये बॉर्डर पे जाएंगे, वो किसी का भी धर्म जात पात देखे बगैर सभी की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो जब ये रक्षा करने के लिए ये बच्चे अगर आगे आ रहे हैं, तो आज इन बच्चों की मदद के लिए, इनकी सेवा के लिए, इनकी सहायता के लिए हमें आगे आके खड़े रहना है। और हमने देखा कि ये बच्चे कुछ बता रहे थे कि हमने एक दिन में बस थोड़ा ही खाना खाया, जो आपने खिलाया था वही खाया। तो हम ये कल और आज ये टीम ताज का लंगर ये बच्चों को खाना खिलाने के लिए आई है, और हम रोज़ कल 100 किलो आज 80 किलो इनके लिए वेज पुलाव और दाल, जो अच्छे स्टैंडर्ड की है, अच्छे स्टैंडर्ड मीन्स 3-स्टार होटल में जो चावल परोसे जाते हैं, इस स्टैंडर्ड का हम बना के लाते हैं। और ये हमारे भाई है, हमारे देश के रक्षक है, तो इनके लिए हम लोगों को खड़े रहना चाहिए। और ये जितने भी आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट या आजू बाजू के ज़िले से आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मेहमान हैं, और इन सबका ख्याल रखना, इनके खाने की, रहने की, पानी की, इनकी सुविधा जितनी हो सके हमने करनी चाहिए। क्योंकि फिर ये माइनस, आपने कारगिल का तापमान सुना होगा, आपने लद्दाख का तापमान सुना होगा, वहाँ पे -10 -20 -30 डिग्री में ये जाकर अगर इनमें से जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे रिक्रूटमेंट में, ये जाकर वहाँ पर हमारी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो आज मैं अपील भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये 7 अक्टूबर तक है, आई थिंक सो ये 7 अक्टूबर तक है, और मैं चाहूँगा कि सभी नागपुरवासी आए और इनकी, ये बच्चों की सेवा करे, हमारे इन जवानों की सेवा करे। जय हिंद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।